आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें। यही प्रार्थना के साथ आज हमारे वीडियो में सबसे प्रबल और सबसे ज्यादा लोगों से पसंदीदा वीडियो है कुल देवी को घर में बुलाने का उपाय। हर व्यक्ति ने किया, लाखों लोगों ने इसका लाभ पाया, लाखों लोगों के पास से संदेश आ रहा है कि आपके बताए उपाय से हमको कुल देवी का स्वप्न में दर्शन हुआ, हमारा ये काम हो गया, रुका हुआ काम हुआ जिससे मालूम पड़ा कि कोई देव कृपा हो गई, ऐसे कई प्रकार के हमको संदेश मिले। आज मैंने सोचा कि ऐसे लोगों का क्या जिन्होंने उपाय किया हो लेकिन जिनके शत्रुओं ने उनके घर को बांध दिया हो, देवताओं को बांध दिया हो, किसी भी प्रकार से देव शक्ति को घर में आने नहीं दिया हो, तो ये कोयला हल्दी का गांठ वाला उपाय करने मात्र से कुलदेवी उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि उस उपाय को करने वालों के घर में देवता आने के लिए दरवाजा खुला होना और प्रबल शक्ति का आकर्षण होना अनिवार्य है। ऐसे लोग भाई हम कुछ भी उपाय करते, पूजा करते, विभिन्न समाधान निवारण करते हैं लेकिन हमको घर में शांति नहीं, देवताओं का आशीर्वाद नहीं, कुल देवी का किसी भी प्रकार से वहाँ कोई भी प्रकार से आगमन का कोई संकेत नहीं मिल रहा है, तो ये एक ऐसा सटीक उपाय है जिसको करने के बाद कुल देवी का बंधन हो तो टूट जाए और कुल देवी का आशीर्वाद निश्चित उस घर में शाश्वत रूप से स्थापित हो जाए। कई घरों में ऐसा है कि पीढ़ियों दर कुल देवी की पूजा ही नहीं की और अचानक कुल देवी को स्थापना कर देते हैं तो वहाँ भी जल्दी कुल देवी प्रसन्न होकर आती नहीं, क्योंकि वो कुपित रहती है कि हमारी इज्जत नहीं दी, तो उसको रिझाना ये काम है। तो इन सब के लिए ये एक विशिष्ट समाधान, विशिष्ट उपाय है जिसको करने के बाद कुल देवी की कृपा मिल सकती है। इसको सावधानी, ध्यान और भक्ति श्रद्धा से करें। देखो कोई भी उपाय करते हो तो करके देखते हैं, इन्होंने बोला है ऐसे मत करना, हमारे लिए ये वरदान है, ये श्रद्धा और भक्ति को जोड़ के करोगे तो वो उपाय नहीं आपके लिए जीवन को बदलने वाला बहुत बड़ा आशीर्वाद बन के प्रकट होगा। इसलिए आपको हर शुक्रवार के लिए, नव शुक्रवार के लिए पहले ही नव नारियल, ऊपर से छिलटा नहीं छिला हुआ, और ऊपर का जो पूरा नारियल, ऊपर का थोड़ा भी छिलटा नहीं छिला हुआ आका नारियल जिसको कहते हैं, जिससे कुछ भी नहीं छिला हो, अंदर पानी भी हो नारियल भी हो, ऐसे नव नारियल लेके पहले ही एकत्रित कर लेना एक समान नारियल। और हर शुक्रवार को संध्या समय में, हर शुक्रवार को संध्या समय में आपको वो नारियल अपने पूजा कमरे में कुल देवता के सामने रख देना है, कुछ नहीं करना है, उधर रख देना है और दीप धूप करके वहाँ बैठ करके ओम मेरे कुल देवता आवे आवे वम वम उम इम, हर हालत में मेरे घर आवे ओम, वापस बोलता हूँ, ओम मेरे कुल देवता घर आवे बम बम उम इम, हर हालत में मेरे घर आवे ओम, ऐसा 108 बार नारियल को कुल देवता को देखते हुए जाप करना है। फिर उस नारियल को, जिसकी जाप हो चुकी है वो पहले उस दिन के नारियल को एक थैली में लेके रख लेना है। ऐसे नौ शुक्रवार को संध्या समय में दीप धूप करके ओम मेरे कुल देवता घर आवे बम बम उम इम, हर हालत में मेरे घर आवे ओम, ऐसा बोल के नौ शुक्रवार तक 108 बार सिर्फ इसको बोलना है। फिर वो नारियल को वहां से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कि हर बंधन टूटे, हर प्रकार से मेरे घर में शांति मिले, कुल देवता हाजिर हो, यहाँ विराजमान हो और घर में आनंद मंगल हो, ऐसे प्रार्थना करके नारियल को उठा के थैली में भर दें। नौ शुक्रवार होने के बाद रविवार को, नौ शुक्रवार पूरा हो गया, फिर रविवार के दिन इन नारियलों को पूरी तरह से छील दें, छोल दें, ऐसे निकाल दें पूरी जटा बिटा, ऊपर का पहले का, ऊपर का छिलका, फिर अंदर का जटा पूरा निकाल के, नारियल की जोटी को भी निकाल के पूरा गोल मोल कर दें नारियल को,
फिर जो तीन आंख होंगे तीनों आंखों में पहले हल्दी का टीका करें, हल्दी गीला करके नवो नारियल का हल्दी का टीका कुमकुम का टीका कर लें। नव नारियल को पहले माँ को हाथ जोड़ के, माँ मेरी गलतियों को क्षमा करना, मेरे दोषों को क्षमा करना, किसी कारण से मेरे घर में नहीं आ रही हो तो अब मुझे आशीर्वाद देने जरूर पधारे, ऐसे प्रार्थना करके नव नारियल को लेके गांव में जो भी गणपति मंदिर है वहां पहुंचे। मंदिर के अंदर पहले जाके वंदन करके अपनी कुलदेवता घर में आए, जिसके लिए जो भी विघ्न बाधा उपस्थित हो रही है वो सब निवृत्त हो, ये भाव बाके गणपति जी की छोटी से लड्डू मोदक कुछ भी चढ़ा के पूजा करवा ले। फिर बाहर आके इन नवो नारियल को गणपति मंदिर के बाहर जो गली रोड है उधर जोर जोर से अपने आप से नवो नारियल को तोड़ दें और फिर घर आ जाएं। फिर घर में आके कुलदेवी को धूप करें, दीप करें, पूजा करें। उसके बाद अगले दिन या उसी दिन जब दीप जलाओगे तो दीप में एक विशेष प्रकाश, दीप का जो साइज होना चाहिए और दीप ज्योति में हाइट बढ़ता दिखेगा, प्रकाश बढ़ता दिखेगा, घर में अचानक चिड़िया या तितली आती दिखेगी और किसी प्रकार का एक सुगंध आता दिखेगा। अगर कोई ना कोई एक चीज होगा, या तो दीपक प्रकाशित होगा, या तो चिड़िया या तितली आएगी घर में, या सुगंध आएगा, या कोई ना कोई विशेष संकेत सपना आएगा, या कोई रुका हुआ काम होगा। लेकिन इस नव नारियल को फोड़ने के बाद बंधा हुआ दरवाजा खुलेगा, कुल देवी घर आएगी, साक्षात घर में लक्ष्मी का निवास होगा, सर्व कार्य सिद्ध होगा। इसी से आपके धर्म क्रियाओं में भी दृढ़ता होगी, दान धर्म भक्ति फलेगी। यही कामना के साथ कुल देवी आप पर कृपा करें, यही प्रार्थना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना। डॉट योगा।